नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 17 से लेके 27 मई तक की होगी। ये रीडिंग, ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होते रहते हैं, जो बात मैं आपके लिए बोल रही हूँ हो सकता है ये आपके पर्सन के साथ रेजोनेट करे, और जो उनके लिए बोल रही हूँ ये आपके साथ रेजोनेट कर जाए। तो एनर्जी के साथ जाइएगा, जेंडर के साथ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग वर्गो यानी कन्या राशि। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रेड या ब्लैक कलर की जो भी बटन आपके फोन पे आते हैं उसको क्लिक करके जाइएगा। किंग ऑफ सोर्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स यही है वर्गो कि वो अपने पावर में है, अपनी एनर्जी में है, वो अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी कमाया है अपने मेहनत से कमाया है, एक उम्दा सोच, और वो जो चीज़ उनको परेशान करता है उसको अपने लाइफ से अलग करने के लिए सोच रहे हैं, और काम की जो नहीं है वो उनके लिए रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं किंग ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है। द हैंगवन, व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि उन्होंने हो सकता है बहुत दिनों से इस रिश्ते को, एक आप लोगों की रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, हो सकता है रिश्ता एक जैसा ही चल रहा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि रिश्ते में कोई मूवमेंट हो, रिश्ते में कोई डिसीजन हो, रिश्ते में कुछ तो हो, रिश्ता एक अलग सर्कल पे जाए, रिश्ते में जो लक है वो उनका साथ दे दे। इसीलिए हो सकता है वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कोई डिसीजन लेने का, कोई निर्णय लेने का। हो सकता है अभी वो जितना स्टेबल बन गया है वो स्टेबिलिटी का ही इंतज़ार कर रहे थे, और वो चाहते हैं जब वक्त सही होगा तो सही डिसीजन लिया जाएगा। वो चाहते हैं किस्मत उनका साथ दे दे, तब तक वो चीज़ों को साइलेंटली ऑब्जर्व करना चाहते हैं, यही उनकी करंट फीलिंग्स है। वो चाहते हैं लक उनका साथ दे दे और सही वक्त पे वो सही निर्णय लेंगे, इसीलिए वो फिलहाल साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। अभी देखते हैं वर्गो आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। द मून, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपको लग रहा है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, आपसे कुछ छुपा रहा है। हो सकता है पहले भी आप किसी इस तरह की घटना आपने देखी होगी, सुनी होगी, आपको वो चीज़ लग रहा है कि ये मेरे साथ भी हो रहा है। तो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी आपको परेशान कर सकता है इन दिनों, या फिर आप खुद ही आपको लग सकता है कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझसे बातें छुपा रहा है, मुझसे जो जानना चाहिए मुझे वो नहीं बोल रहा है, इस तरह की आपकी एनर्जी है। देखते हैं द मून का कार्ड क्यों आया है, क्यों ऐसा आप सोचते हो। पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए ये बंदा या बंदी जो भी है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं है। आपके लिए ये इंसान जो है, आपको लगता है उनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपसे शादी के बारे में बात करना चाहिए, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा रिश्ते में गिवर हो, आप बहुत ज़्यादा देते हो, उतना आपको मिलता नहीं है। आप चाहते हो कि वो रिश्ते में नई शुरुआत करे, आपसे माफ़ी मांगे, आपको वक्त या पैसा जो भी आपको चाहिए वो सही तरह से आपको दे, क्योंकि आप जो हो उनके साथ दिल से जुड़े हुए हो। आपको लगता है ये बंदा या बंदी बहुत ही स्टेबल बंदा या बंदी है, इसके साथ रिश्ता निभाया जा सकता है,
इसके साथ शादी किया जा सकता है, लेकिन ये बंदा मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है। जितना वक्त, जितना एफोर्ट मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ इस रिश्ते में, ये इंसान मुझे नहीं दे रहा है। इसलिए उनको मुझसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कभी कभी आपको ये भी लगता है ये इंसान जो है एक चाइल्डहुड एनर्जी में रहता है, बच्चों जैसी हरकत करता है। कभी कभी आपको ये मैच्योर लगता है, कभी कभी इमैच्योर लगता है। आप किसी भी तरह से उनको खोना नहीं चाहते हो, आप रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, आप चाहते हो रिश्ते में नई शुरुआत, दोस्ती से शुरुआत। कभी कभी आप उनके बच्चों की माता या पिता बनना भी चाहते हो, क्योंकि आप उनसे शादी करना चाहते हो। इतने कुछ चाहने के बाद भी आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आपको लगता है रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है आपको। यही आपकी करंट फीलिंग्स है। अभी देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है? स्टार, हो सकता है वर्गो आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो एक्वेरियस हो। आपके पर्सन एक डीप हीलिंग चाहते हैं। जैसा कि कार्ड भी आया था कि वो साइलेंटली रिश्ते को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो एक डीप हीलिंग चाहते हैं, वो खुद को हील करना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने पहले गलती की होगी, उस गलती को दोबारा से दोहराना नहीं चाहते हैं, वो उस गलती से सीखना चाहते हैं, एक डीप हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, समुंदर किनारे जाना चाहते हैं, रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। जैसा कि आप चाहते हो कि वो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है, तो वो ये सब करना चाहते हैं, वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। अभी देखते हैं द स्टार का कार्ड क्यों आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, वो बोझ को कम करना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वो रिश्ते में टीम वर्क करना चाहते हैं। वो पहले इस रिश्ते को वो बोझ समझ रहे थे, उनके लिए रिश्ता बोझ बन गया था। उनको लग रहा था कि ये रिश्ता डे बाय डे ये मेरे सर चढ़ रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन अभी वो इसको बोझ नहीं समझते हैं। वो जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, वो रिश्ते को निभाना चाहते हैं। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े वो किसी की मदद लेके रिश्ते को अगर सही करना पड़े तो करना चाहते हैं। उनको ये रिश्ता इसीलिए बोझ लगता था क्योंकि वो स्टेबल रिश्ते बनाने में कामयाब नहीं हुए। उनका जो रिश्ता था आपके साथ, हो सकता है अभी भी है ये रिश्ता, ये कोई स्टेबल रिश्ता नहीं है। वो इंसान जब चाहे आता है, जब चाहे जाता है, जो मर्जी वो करता है। मतलब जब उनकी इच्छा हो रिश्ते में चले आए, जब इच्छा नहीं हो चले गए। हो सकता है सेक्स के कारण आपके साथ वो रिश्ता निभा रहा था, इसीलिए उनको ये रिश्ता बोझ लगने लगा था। तो अभी वो सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वर्गो, ये आप ही का कार्ड है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, हो सकता है वो एक्वेरियस हो या फिर एरीज लियो सजिटेरियस में से कोई हो सकता है, और टॉरस वर्गो होने की दो चांसेस ही है। तो अभी वो इस रिश्ते में टीम वर्क करना चाहते हैं, जो गलती उन्होंने की थी उसको सुधारना चाहते हैं, वो खुद को हील करना चाहते हैं, रिश्ते को एक अच्छी ढंग से निभाना चाहते हैं, और वो इसके लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा कि पहले ही कार्ड आया था। अभी देखते हैं आप क्या चाहते हो। वर्गो यानी कन्या राशि, आप खुद क्या चाहते हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आप तो शादी करना चाहते हो, पहले भी आप शादी के ही कार्ड आए थे। आप उनके बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हो, आप चाहते हो वो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, आप चाहते हो कि वो आपसे माफ़ी मांगे,
आप यही चाहते हो कि उनके साथ आपका शादी का रिश्ता बन जाए, क्योंकि आप उनको अपना सोलमेट मानते हो। अभी देखते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं? अगर हम फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लियर करें तो देखेंगे कि फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड टेम्परेंस, बैलेंस, एट ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। क्योंकि आपके दिमाग से भी ये रिश्ता कभी नहीं निकलता है, 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग में चलता है। इस ये रीडिंग करने से पहले ये गाना बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था, तभी मैंने सोचा कि ये गाना क्यों आ रहा है। अभी देखो कार्ड भी वैसा आया है, मैं तेनु समझावा कि तेरे बिन नहीं लगता जीना, क्या इस तरफ का कोई गाना है। आप रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते हो, गॉड के भरोसे, रिश्ते की अच्छाई बुराई सब जान के, सबको परख के आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो। आप रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, आप चाहते हो रिश्ता बैलेंस हो जाए, आप करो या वो करे, आप रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते हो, क्योंकि 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग से जाता ही नहीं है। तभी तो आप शादी के सोच रहे हो। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो क्या कहने, आप दोबारा से रिश्ते को सही करना चाहते हो। अगर शादीशुदा नहीं हो तो आप शादी करना चाहते हो। आप इस रिश्ते में एक क्या बोले उसको, एक स्टेबिलिटी चाहते हो, एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हो। मैं तेनू समझावा कि क्या क्या गाना था वो, मैं तेनू समझावा के ना तेरे बिन लगता जी। तो ये हाल आपका है वर्गो, आप 24/7 उनके बारे में ही सोचते हो, उनके बिना आपका दिन नहीं चलता है, आपका दिमाग काम नहीं करता है। प्यार 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 हमेशा प्यार, शादी, रिश्ता, बच्चे, परिवार, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस, ये सारे चीज़ आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है और आप ये चाहते भी हो। देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है। एट ऑफ कप्स, इतने करने के बावजूद इस रिश्ते में परेशानी है। रिश्ते में अच्छाई है, पॉजिटिविटी है, फिर भी दुखी हो। कोई एक है जो इस रिश्ते से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। उनको ये लगता है जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं इस रिश्ते में वापस आऊँगा। ऐसा क्यों? देखते हैं एट ऑफ कप्स क्यों आया है, क्यों कोई दुखी है, परेशान है, रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं। बाहर मतलब हमेशा के लिए नहीं, एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। उनको लगता है जब सही हो जाएगा सब कुछ तब मैं चला आऊँगा या चली आऊँगी। फिलहाल के लिए मुझे इस रिश्ते से दूर रहना चाहिए। देखते हैं एट ऑफ कप्स क्यों आया है। एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा बातें करना, ऑनलाइन टेक्स्ट कॉल मैसेज करना, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स परेशानी को ख़त्म करना, नाइन ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार करना, मेहनत करना, पैसों के लिए काम करना। इसीलिए ये कार्ड आया है कि अगर आप में से कोई इस रिश्ते से बाहर है, रिश्ते को छोड़ के उस दिन के लिए अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, तो उनको रिश्ते की क्लैरिटी मिलनी चाहिए और आप लोगों को बहुत सारी बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, बातों को खुल कर रखनी चाहिए। जो आपके दिल में है, जो दिमाग में चल रहा है, ये बात आप लोगों को बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मेरे काम के नहीं उसको अपनी ज़िंदगी से हटा दो। जैसा कि पहले कार्ड आया था किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सिर्फ अपने बारे में सोचना, और अभी देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आप दोनों ही अगर इस तरह से सोचोगे तो काम कैसे चलेगा। वैसे वर्गो खुद शादी के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ता उनके दिमाग से नहीं निकल रहा है, लेकिन कभी कभी अपना एटीट्यूड भी दिखाते हैं। इसीलिए आप लोगों को बात करनी चाहिए, फिजिकली ना हो
डिजिटली कीजिए, आजकल डिजिटल का जमाना है, टेक्स्ट कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, और इससे भी काम ना हो तो चले जाइए मिलने, मिलके बैठ के सारे बातें क्लियर कीजिए। आप लोगों को क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, नहीं तो रिश्ते में डिस्टेंस लगा रहेगा। सब कुछ है रिश्ते में, प्यार है, अट्रैक्शन है, रिश्ते को दोबारा चांस भी देना चाहते हो वर्गो आप, लेकिन अपने एटीट्यूड में हो। अरे यार आप तो जाओ, कोई तो जाओ बात करने, चाहने से क्या होगा, घर बैठे बैठे हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। आप कॉल करो, टेक्स्ट करो, मैसेज करो, देखो वो उठा लेंगे, बात करेंगे आपसे, और बात करके चीज़ों को क्लियर करो। अभी देखते हैं यूनिवर्स ही क्या कहना चाहते हैं। कैसे लोग हो आप, प्यार भी करते हो, गुस्सा भी करते हो। पहले आप करते करते ट्रेन निकल जाएगा आप लोगों का। अभी देखते हैं यूनिवर्स ही क्या कहना चाहते हैं। देखिए नाइट ऑफ कप्स, प्यार है तो लेके जाइए, दिखाइए आप उनसे कितना प्यार करते हो। जजमेंट, पुराना रिश्ता है, फिर से वापस पाना चाहते हो, ये मिलेगा भी आप लोगों को। और नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको उनसे प्यार है, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिन लगता जी, अगर ऐसा कुछ है कि तेरे बिन मेरा जी नहीं लगता है, तो आप रुके क्यों हो, इंतज़ार क्यों कर रहे हो। सही वक्त कब आएगा, जब आप सोचोगे तभी वक्त सही है। और अगर आप चाहते हो कि पुराने दिन वापस चले आए, जजमेंट मिल जाए, ये बच्चे भी अगर इन्वॉल्व है इसमें, उनको क्यों तकलीफ दे रहे हो, तो बच्चे बड़े सब जो है, जो पुराने दिन जैसे आप एक साथ रहते थे, अगर आप अभी अलग हो या बात नहीं चल रहा है कुछ भी, अगर आप शादीशुदा नहीं हो, रिश्ते में जाना चाहते हो, तो इंतज़ार किस बात की, कब जाओगे। लास्ट ऐसे मोमेंट में मत जाओ जब जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो आपको अपना नाइट ऑफ कप्स, जल्दी जल्दी ले जाओ अपने प्यार के कप्स, और उनको बता दो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। मुंह से मुंह बंद करके, अगर मुंह में सेलोटेप मार के बैठे रहोगे कि वो आएगा मेरे पास, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप प्यार करते हो तो आप बोल दो। हो सकता है कोई इंसान थोड़ा ज़्यादा ईगो दिखाता है, ईगो नहीं, उसे मैं ईगो नहीं कह सकती, कोई शाई नेचर का होता है, किसी को ऐसा लगता है कि वो बोलेगा मुझे, मैं क्यों बोलूँगा या बोलूँगी। तो जिसे आता है बोलना भाई, वो बोल दे, मतलब तो प्यार से है। तो जाओ और बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।